दोस्तों, अगर आप लोग भी ओलम ट्रेड एप्लीकेशन से डेली के 1000 से 2000 रुपए कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस एप्लीकेशन में ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप लोग कैसे इससे पैसे कमाएंगे, पूरा डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल बने तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोज देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो अभी से इसको लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में ओलम ट्रेड एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आपको उस लिंक से डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे से इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। फिर यहां पे आपको सिंपली से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, बस आपको अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के यहां पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब जैसे ही आपको पहला लुक यहां पे इस ऐप को देखने को मिलेगा, तो यहां पे देखिए आपको एक कैंडल स्टिक ऊपर नीचे होती हुई दिख जाएगी, अप डाउन होती हुई दिख जाएगी। आपको दोस्तों बस इसी का खेल है, इसमें आपको इसको एनालाइज करना और इससे आप अच्छे खासे पैसे डेली के कमा लेंगे। तो चलिए आपको पूरा डिटेल में बताता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए आपको यहां पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं, सबसे पहले आपको इसमें दोस्तों करना क्या है, आपको अपना एक डेमो अकाउंट यहां पे ओपन कर लेना है, क्योंकि दोस्तों रियल ट्रेडिंग करने से पहले आपको हमेशा डेमो ट्रेडिंग कर लेनी चाहिए, जिससे आपको दोस्तों एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो जाए और आपको ट्रेड लेने में भी कोई दिक्कत ना आए। तो बस दोस्तों आपको ऊपर देखिए डेमो अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो बस दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहां पर डेमो अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये डेमो अकाउंट है, बस आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए दोस्तों आपको यूएसडी अकाउंट देखने को भी मिल जाता है और बहुत सारे अकाउंट ऐड का अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यूएसडी आईएनआर यूरो बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। बट दोस्तों अभी आप फिलहाल जब ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो आप लोग डेमो से शुरुआत करेगा, उसके बाद रियल अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों इसको नीचे कर देना है। नीचे करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा करेंसी पेयर सेलेक्ट करने का, कि किस करेंसी पेयर में या फिर दोस्तों आप कमोडिटी में, स्टॉक्स में, जिसमें भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो सभी पेयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो बस आप इस पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आप फिक्स टाइम, फॉरेक्स में, स्टॉक्स में, जिसमें ट्रेडिंग करना चाहे सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं आपको फॉरेक्स में दिखा रहा हूँ, आप गोल्ड में, बिटकॉइन, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, उन सभी में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यूरो एसडी या फिर यूएसडी जेपीवाई को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से करेंसी पेयर को। अब इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आपको सिग्नल का देखने को मिलता है, कोई इंडिकेटर या सिग्नल आपको चाहिए तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगला ऑप्शन आपको इंडिकेटर का मिलता है, कि दोस्तों अगर आप कोई इंडिकेटर की यूज़ करते हैं टेक्निक को ट्रेडिंग करने के लिए तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। आप इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, फिबोनाची और बहुत सारी स्ट्रेटेजीज देखने को मिलती है, वो सभी आप इसमें लगा सकते हैं। कुछ फ्री और कुछ दोस्तों आपको पेड देखने को मिलती है। इसके अलावा अगला ऑप्शन आपको दोस्तों कैंडलस्टिक का टाइम सेलेक्ट करने का है, कि कितने सेकंड की आपको स्पेसिफिक यहाँ पे कैंडल स्टिक चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, 30 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आप जो भी टाइम फ्रेम पे चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे ऑप्शन आपको मिलता है चार्ट सेटिंग्स का, कि आप इस तरह का चार्ट चाहते हैं, जापानीज कैंडल स्टिक चाहते हैं, बार्स चाहते हैं, ठीक है, आशीष चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं फिलहाल यहाँ पे जापानीज ही रहने देता हूँ, ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे देखिए ये सभी ऑप्शन की तो बात हो गई, अब यहाँ पे मेन ये जो डैशबोर्ड है जहाँ पे आपकी ट्रेड ऊपर नीचे हो रही है इसी को एनालाइज करना और आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है। अब नीचे देखिए दोस्तों आपको एफएक्स मोड में यहाँ पे देखिए वो सेलेक्ट करने को मिलता है, लेवरेज कहते हैं दोस्तों इसे, आपको ये सेलेक्ट करने का मिलता है। तो जो अभी डेमो अकाउंट में है वो रहने दीजिएगा, बाद में उसे अपने हिसाब से सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद दोस्तों जब आप देखिए तो अगला ऑप्शन आपको डाउन का मिलता है और फिर अप का। डाउन का मतलब ये है कि जो करंट पोजीशन चल रही है उससे चलता है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो आप डाउन सेलेक्ट करिएगा, अगर लगता है ऊपर जाएगी तो आप यहाँ पे अप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको एनालाइज करना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे डेमो में एक ट्रेड दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों मैं यहाँ से डाउन सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए हमारी यहाँ पे ट्रेड लग चुकी है, और लगने के बाद दोस्तों देखिए ओपनिंग पोजीशन है, ट्रेड हमारी नीचे की तरफ जा रही है। तो जैसे दोस्तों आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने लगे, देखिए हमारा नीचे की तरफ ट्रेड जा रही है जो हमने पोजीशन ली थी, ये देखिए यहाँ पे बस आपको इस एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगी कि आपकी ट्रेड नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जाएगी दोस्तों क्योंकि हमने नीचे के लिए, ऊपर जाएगी तो लॉस होगा, और मान लीजिए नीचे आती है जहां पे हमने जिस पोजीशन पे सेलेक्ट किया उससे नीचे आती है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों बस आपको इसी को एनालाइज करके यहाँ पे ट्रेड लेनी है। तो आपकी जो भी एनालाइज है, आप जो भी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके दोस्तों सिंपली से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो फिलहाल ये देखिए हमारी जो हमने पोजीशन सेलेक्ट की थी उससे ये ट्रेड नीचे आ चुकी है। तो दोस्तों जब अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दिखने लगे, कि जब ये नीचे एकदम बढ़िया से जा रही है आपको दोस्तों प्रॉफिट दिखने लगे, तो आपको यहाँ पे सिंपली से इसको सेल कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपको वेट करते रहना है। वेट करने के बाद दोस्तों देखिए हमने लेवरेज ज़्यादा सेलेक्ट किया है, इस वजह से दोस्तों अभी हमें नेगेटिव में दिखा रही है, जब ये पॉजिटिव हो जाएगी तो उसके बाद दोस्तों आप इसको सेल भी कर सकते हैं। देखिए हमारी पॉजिटिव में भी आ गई थी अभी, तो आपको बस वेट करते रहना है। देखिए अभी ये क्लोज ट्रेड रेड में है तो मतलब हमें लॉस हो रहा है, और जब ये ग्रीन हो जाए, ग्रीन होने के बाद दोस्तों आपको ये प्रॉफिट होने लगेगा। तो बस आपको वेटिंग का खेल है। यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम अलग सेलेक्ट किया, तो इस वजह से दोस्तों जल्दी जल्दी कैंडल स्टिक में ऊपर नीचे हो रही है। अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे जल्दी से ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा।
तो बस दोस्तों आपको वेट करते जाना है। वेट करने के बाद देखिए जैसे ही आपकी ट्रेड नीचे आएगी तुरंत दोस्तों आप लोग यहाँ पे सेल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे वेटिंग का सारा खेल है दोस्तों। अगर आपकी स्ट्रेटजी जल्दी काम कर जाती है तो बहुत ही अच्छा है, वरना आपको सिर्फ वेट करना है। जब आपकी पोजीशन जो आपने ली है उससे दोस्तों जिस भी एरिया में जानी है या फिर ऊपर जानी है नीचे, और आपके जो दोस्तों प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से उस पोजीशन पर चली जाती है, तो तुरंत दोस्तों आप लोग उस ट्रेड को क्लोज कर दीजिएगा। जो भी प्रॉफिट हुआ उसको बुक कर दीजिएगा। जैसे देखिए हमने इस ट्रेड को देखिए क्लोज करते हैं, तो क्लोज करने के बाद कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म के बाद दोस्तों देखिए हमने थोड़ी सी देरी कर दी, इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे लॉस हो गया, क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट में तो आ चुकी थी, हमने जो सेल करने में आपको बताने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, जिसकी वजह से दोस्तों लॉस हो गया। बट कोई नहीं, अभी ये डेमो अकाउंट है इसलिए दोस्तों यहाँ पे आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, आपको कोई लॉस रियल अकाउंट से होने वाला नहीं है और ना ही कोई प्रॉफिट रियल अकाउंट में होने वाला है। तो बस आपको वेट करते जाना है इसमें। सारा खेल दोस्तों इसमें एनालाइज का है। अब दोस्तों आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को एनालाइज कैसे करना है कि इस पोजीशन से मान लीजिए ट्रेड नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, ये सभी दोस्तों आपको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के दे रखी है फॉरेक्स ट्रेडिंग की, कंप्लीट वीडियो 55 से 60 मिनट की वो वीडियो है, आप उसको पूरा देख लेंगे तो आपको दोस्तों समझ में आ जाएगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है और फॉरेक्स में हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं, कैंडलस्टिक एनालाइज कैसे करते हैं और दोस्तों इंडिकेटर वगैरह का इस्तेमाल कैसे करते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकें। तो इसके बाद उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ये तो दोस्तों एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये देखिए कितना ज़्यादा नीचे डाउनफॉल आ गया हमने जो दोस्तों प्रेडिक्शन की थी उसके हिसाब से। अगर हम इसे अब सेल करते आपको दिखाना था इसलिए मैंने तुरंत सेल कर दिया था, अगर हम सेल करते अभी तो देख सकते कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता हमें। तो आप भी दोस्तों ऐसे एनालाइजेशन सीख सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। आप लोग एकदम उस वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो देखने के बाद आप लोग एकदम अच्छे से समझ जाएंगे कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और कैसे दोस्तों ये ट्रेडिंग का नेचर है वो काम करता है। तो दोस्तों आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जब आप मान लीजिए इसमें ट्रेडिंग सीख जाएं डेमो अकाउंट में, तो आपको अपना रियल अकाउंट यहाँ पे ऊपर से ही देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको बता ही दिया था कि कैसे इसमें रियल अकाउंट ओपन करना है, तो जितना भी आपके पास फंड है उससे दोस्तों आप लोग यहाँ पे रियल अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। रियल अकाउंट ओपन करने के बाद सेम वही प्रोसेस है, आपको यहाँ पे जो डेमो अकाउंट दिख रहा है उसी जगह आपको रियल अकाउंट का आपका जो बैलेंस है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो बस आप लोग उसके हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस में जो जाएंगे वो आपको शो होगा। अब इसके बाद मान लीजिए आप लोग ट्रेड में प्रॉफिट कमा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन रहेगा, आप डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ, इंटरनल ट्रांसफर, इसके अलावा ट्रांजेक्शन वगैरह जितनी भी डिटेल्स हैं सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो बस दोस्तों आपको ये सभी चीज़ें करनी है फॉलो, तभी आप लोग एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे और ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। अब नीचे आप देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको और देखने को मिल जाते हैं, इन सभी ऑप्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। ये देखिए नीचे ट्रेड्स का, इसमें जो आपकी करंट ट्रेड चल रही होंगी वो दिख जाएंगी, मार्केट कैप आपको दिख जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जो भी इवेंट्स इस ऐप में हो रहे होंगे वो सभी, और इसके अलावा आप लोग यहाँ पे 24/7 का इसमें सपोर्ट मिलता है कि दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह आती है तो आप लोग इस ऐप वाले से बात कर सकते हैं, सर्विस आपको काफ़ी अच्छी मिलती है इस ऐप के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों हम जो मेन पेज है, हमारा मेन पेज है, इसके अंदर देख सकते हैं आपको एक टाइम वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों आप लोग टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए आपको अभी प्राइस नहीं लेनी है, ट्रेड अभी नहीं लेनी है, बाद में लेनी है, तो आप लोग यहाँ पे प्राइस की जो पॉइंट है वो नोट करके यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं और बाकी दोस्तों आप टाइम के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों वो होता है जब पेंडिंग ऑर्डर आप लगाते हैं उस टाइम के लिए होता है, पर मैं कहूँगा कि इस ऐप में आप अगर रियल टाइम में ट्रेडिंग करें तो वही अच्छा है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।